हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन 10th क्लास की फिजिक्स पढ़ेंगे और उसमें आपको पता है एक चैप्टर का जो नाम है वो होगा लाइट। ये फिजिक्स में एक चैप्टर है 10th क्लास में, उसको अपन यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो लाइट एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जो अपने डेली लाइफ में अपन लगभग रोज यूज में ले लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले अपने को लाइट के बारे में ही पता होना चाहिए, लाइट एक्चुअल में होती क्या है। सिंपल वे में तो मैं आपको बताऊं कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। तो अपन आपसे जब आपसे पूछा जाए लाइट क्या होती है तो आप क्या बताओगे, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। वैसे थोड़ा सा इसको अगर हम लेवल इंक्रीज करके बात करते हैं तो लाइट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं जो हमारे आईज उनको क्या करती हैं, डिटेक्ट करती हैं, ठीक है, मेजर कर लेती हैं। तो लाइट के एक्चुअल में आप मैंने बताया कि फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, मतलब एक छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी से, मतलब पैकेट्स होते हैं छोटे छोटे एनर्जी के जिन्हें हम क्वांटा कहते हैं। क्वांटा का मतलब पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसको क्या नाम दिया गया है यहाँ पे, फोटोन। जिसको क्या नाम दिया गया है, फोटोन नाम दिया गया है। जब भी आपसे पूछा जाए ये फोटोन नाम हो गया है, मतलब फोटोन का मतलब क्या है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी जिसे क्वांटा कहते हैं, ठीक है, उसे मिलकर क्या बनती है, लाइट बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट का मतलब आप समझ गए कि फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसके या लाइट के पार्टिकल को फोटोन कहते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये होती है। क्या होता है, जैसे अपन जैसे किसी रूम के अंदर बिल्कुल डार्क लाइट नहीं है तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है, जैसे लाइट ऑन करते हैं अपन, तो लाइट क्या करती है, जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन पे इंसिडेंट होती है और उस पे इंसिडेंट होकर वापस रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज पे गिरती है और हमारी आईज उसको डिटेक्ट करके और रेटिना पे क्या कर देती है, इमेज बना देती है, जिससे हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, ठीक है। और एक बात और यहाँ पे, तो मतलब कहने का मतलब लाइट की वजह से ही हम पूरे वर्ल्ड को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और लाइट का यहाँ पे कौन सा फेनोमेना काम आ रहा है, रिफ्लेक्शन का। फिर लाइट ऑब्जेक्ट पे गिरती है, गिरने के बाद हमारा रिफ्लेक्ट हो गया हमारे यहाँ आईज के अंदर जाती है। एक बात और याद रखनी है, यहाँ पे लाइट हमेशा क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करती है, हमेशा सीधी चलती है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन में जैसे ऑब्जेक्ट है, सन से लाइट आएगी, इस पे गिरेगी, इस पे गिरने के बाद रिफ्लेक्ट होगी आईज में जाएगी और उसकी इमेज रेटिना पे बनेगी तो हमें दिखाई दे, वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है। इस प्रकार से हमें लाइट का काफ़ी यूज है हमारी लाइफ में, अदरवाइज मतलब मीनिंगलेस हो जाती है हमारी लाइफ। परंतु कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो जैसे अलग अलग कलर्स के ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं अपने को, तो वो लाइट तो आ रही है तो फिर अलग अलग कलर का क्यों दिखाई देता है। इसका एक रीजन है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है, वो कौन से लाइट को ऑब्जॉर्व करता है, कौन से को रिफ्लेक्ट करता है, ये अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे सनलाइट आती है, सनलाइट को व्हाइट लाइट बोलते हैं एक्चुअल में। तो जो सनलाइट आती है तो किसी ऑब्जेक्ट पे आपकी इंसिडेंट होती है, अगर वो ऑब्जेक्ट टोटली लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब किसी लाइट को ऑब्जॉर्व करता ही नहीं है, जितनी गिरी है उसको वापस क्या कर देता है, अब रिफ्लेक्ट कर देता है और वो लाइट हमारी आईज पे गिरती है, रेटिना पे इमेज बनेगी, तो वो ऑब्जेक्ट हमें कैसा दिखाई देगा, व्हाइट दिखाई देगा। मतलब कोई ऑब्जेक्ट टोटली लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा तो कैसा दिखाई देगा, व्हाइट। इसके अपोजिट कोई डार्क, मतलब जो ब्लैक कैसे कब दिखाई देता है, जब सन से जो लाइट आती है और उस ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होती है और वो पूरी लाइट को क्या कर लेता है, अब्जोर कर लेता है, तो अब्जोर कर लेता है तो हमें वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देता है, डार्क दिखाई देता है, मतलब ब्लैक दिखाई देता है। जैसे लाइट होती नहीं तो हमें कैसा दिखाई देता है, ब्लैक। वही बात यहाँ पे हो गई, क्योंकि लाइट आई तो थी परंतु उसने टोटली को क्या कर लिया, अब्जोर कर लिया, तो हमारे पास आईज में गिरी नहीं तो हमें वो कैसा दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा। बाकी जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रेड क्यों दिखाई देता है, सनलाइट आई उस ऑब्जेक्ट पे गिरी, उसने क्या किया, सभी लाइट्स को क्या कर लिया है, अब्जॉर्ब कर लिया, सिर्फ रेड कलर की जो लाइट थी ना उसको क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। तो रेड कलर की लाइट उस ऑब्जेक्ट पे गिर के रिफ्लेक्ट हो जाती है, हमारी आईज पे गिरती है और रेटिना पे जो इमेज बनेगी उसको हमें कैसे दिखाई देगी, रेड दिखाई देगी। ऐसे अलग अलग कलर की, मतलब जो भी जिस भी लाइट की जो रेंज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैंने बताया था, उसको रिफ्लेक्ट करेगी तो वही कलर दिखाई देगा और बाकी को वो क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस प्रकार से हमारा लाइट का है जो हमारे डेली लाइफ में काफी यूज है,
तो अपन ने देखा भी है यहाँ पे जो दिखाई दे रहा वो है कि यहाँ पे बार बार बोल रहा था मैं रिफ्लेक्शन की वजह से, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन का मतलब टकरा कर वापस आ जाना। तो ये जो फिनोमिना है रिफ्लेक्शन, ये एक्चुअल में रियल में फिजिक्स ये है। ये तो जनरल बातें थी लाइट के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या रहेगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए बहुत तो इंपॉर्टेंट है, आप तो आगे हायर क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा इसका मतलब यूज है, तो काम आएगा। तो ध्यान से देखना कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। एक बात और बताता हूँ ये लोग के बताने से पहले, जैसे आपसे कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था कि लाइट के पार्टिकल का नाम क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, फोटोन बताओगे, जो कि क्या होता है, मासलेस होता है। क्या होता है, मासलेस होता है, और जिसकी स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये लाइट की स्पीड होती है, लाइट की स्पीड मान लीजिए फोटोन, क्योंकि फोटोन से तो लाइट बनी है, ठीक है। और जो मास है सबका जिसके अंदर, ठीक है, डैश मास कितना होता है, 0 होता है। अब देखिए जो टॉपिक था वो देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास टॉपिक का नाम क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए यहां पे एक प्रकार का फिनोमिना है, ये लाइट का क्या है कि फिनोमिना है, जो कि हम डे लाइफ में देखते हैं कि लाइट, जैसे मैंने बताया भी था अभी, जैसे लाइट है किसी सरफेस के ऊपर, जैसे किसी मीडियम में क्या कर रही है, प्रोपेगेट कर रही है, और किसी दूसरे सरफेस पे इंसिडेंट होती है, और इंसिडेंट होकर, हाँ, तो मैं बता रहा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे मैंने कहा कि जैसे सन से लाइट आती है और किसी मीडियम में क्या कर रही है, प्रोपेगेट कर रही है, तो प्रोपेगेट यहाँ पे मूव कर रही है, और इस पानी की सरफेस है, इस सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है, वापिस इसी मीडियम में ही क्या, वापिस इसी मीडियम में आ गया ना यहाँ पे इंसिडेंट होकर। तो ये जो लाइट का वेव का क्या कहा था, स्ट्रेट लाइन, मैंने बताया था कि लाइट क्या कहा, स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन कहा या ऐसे मुड़ गई ना, पर तो मुड़ी कब है, ये यहाँ पे इंसिडेंट होकर किसी दूसरे मीडियम के सरफेस पे इंसिडेंट होकर वापस उसी मीडियम में ही क्या हुई है, बैंड हो गई है, ठीक है ना। इसी फिनोमिना को हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से, जैसे लाइट यहाँ पे मान लीजिए ये लाइट है, ठीक है, इंसिडेंट लाइट हो गई, ये मान लीजिए कोई सरफेस है, यहाँ पे इंसिडेंट और यहाँ पे इंसिडेंट और वापस क्या हो गई है, उसी मीडियम में क्या हो गई है, मतलब बैंड हो गई है, तो ये आपका क्या बैंड हो गई है, तो ये जो फिनोमेना वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाएगा। तो इस लाइट को अपन यहाँ पे क्या नाम दे देंगे, रिफ्लेक्टेड लाइट। तो यहाँ पे ये जो फिनोमेना है ये क्या कहलाया आपका, रिफ्लेक्शन। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो हम क्या बताओगे, ए फिनोमिना ऑफ रीबाउंड ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, ए फिनोमिना ऑफ लाइट, ए फिनोमिना ऑफ रीबाउंड ऑफ लाइट, सॉरी, ए फिनोमिना ऑफ रीबाउंड ऑफ लाइट आफ्टर इंसिडेंट, आफ्टर इंसिडेंट ऑन ए अदर मीडियम। तो दोबारा देखिए यहाँ पे मैं आपको एक डेफिनेशन है आपको यहाँ पे लिखनी होगी, मैं लिख के बता देता हूं, द फिनोमिना रिबाउंड ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, उसी मीडियम में आपको रिबाउंड होना चाहिए, फिर भाई आफ्टर इंसिडेंट ऑन सरफेस ऑफ अदर मीडियम, दूसरे मीडियम के सरफेस पे इंसिडेंट होने के बाद, लिखा भी है यहां पे मैंने कि यहां पे कि द फिनोमेना ऑफ रीबाउंड ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, आफ्टर लिख लीजिए यहां पे, आफ्टर कब, आफ्टर इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अदर मीडियम, मतलब दूसरे मीडियम के सरफेस पे इंसिडेंट होने के बाद जब रिबाउंड हो जाती है सेम मीडियम में, उस फिनोमेना को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। जो लाइट इंसिडेंट और वो इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्शन के इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट वो कौन सी हो गई है, रिफ्लेक्टेड लाइट हो गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों नाम बता दिए आपको, बता देता हूं यहां पे, जैसे मान लीजिए ओ पॉइंट के ऊपर यहां पे इंसिडेंट हुई है, इस पॉइंट के ऊपर
अगर आप उस सरफेस के परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रॉ करते हो, परपेंडिकुलर से यहाँ पे परपेंडिकुलर बोलते हैं, जैसे ये सरफेस है यहाँ पे इस लाइन पर 90 डिग्री से परपेंडिकुलर को लाइन ड्रॉ करते हो, उसको हम हमेशा क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोला जाता है? नॉर्मल, जिसको एन से लिखा जाता है। तो आपसे जब पूछा जाए नॉर्मल क्या होता है तो क्या बताओगे? एक परपेंडिकुलर लाइन होती है किसी भी सरफेस के, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। क्यों बात की गई है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इस फिनोमेना रिफ्लेक्शन के अंदर जो नॉर्मल हमेशा ड्रॉ क्या करेंगे, जहां पे लाइट क्या हुई है, इंसिडेंट हुई है। ये क्या काम आ रहा है? क्योंकि इसके अंदर रिफ्लेक्टेड हो या इंसिडेंट कोई भी हो, इनमें हमेशा इंसिडेंट एंगल या फिर रिफ्लेक्टेड एंगल, कोई भी एंगल बताना हो ना इसके अंदर, यहाँ पे लाइट वाले जो फिनोमेना जितने भी होंगे आगे भी पढ़ेंगे, तो याद रखना कोई भी एंगल होगा वो हमेशा नॉर्मल से मेजर किया जाएगा। कहां से मेजर किया जाएगा? नॉर्मल से। तो मैं आपसे पूछूं यहाँ पे इंसिडेंट लाइट है कितने एंगल से इंसिडेंट हुई है, तो आपका एंगल कहां से मेजर करोगे? नॉर्मल से। कहां तक? इंसिडेंट तक, इंसिडेंट तक। तो अपन यहां पर आई कर दिया है, तो आई यहां पे क्या है? इंसिडेंट एंगल, ठीक है ना? क्या है यहां पे? इंसिडेंट एंगल। अब मैं आपसे पूछूं रिफ्लेक्टेड एंगल, तो रिफ्लेक्टेड मेजर तो नॉर्मल से ही करेंगे, परंतु आपकी बात रिफ्लेक्टेड लाइट है, तो ये कौन सा हो गया है? रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं, ये हो गया। तो ये आपका क्या था? रिफ्लेक्शन का फिनोमेना। तो इसमें क्या क्या शो करना होगा आपको? डेफिनेशन लिखने होंगे, डायग्राम बनाना होगा, ये एंगल्स आपको लिखने होंगे। तो ये आपका रिफ्लेक्शन का मतलब टॉपिक था। अब बात आती है कि यहां पे इसके लॉज, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के आपको बता देता हूं दो लॉज होते हैं। फर्स्ट लॉ, याद रखना हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोलते हैं भाई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। याद रखना लाइट के रिफ्लेक्शन के फिनोमेना के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल होते हैं, ये फर्स्ट लॉ है, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जो प्लेन होती है इंसिडेंट लाइट की, नॉर्मल की और रिफ्लेक्टेड लाइट, तीनों की प्लेन हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए सरफेस है, लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट लाइट का प्लेन कौन सा हुआ? ये वाला हुआ ना। नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल ऐसे तो करेंगे नहीं, कैसे होगा इसका नॉर्मल? ऐसे होगा, तो नॉर्मल का भी प्लेन क्या होगा? ये। अब लाइट ऐसे जाएगी तो ऐसे जाकर ऐसे तो मुड़ेगी नहीं, कैसे मोड बैंड हो जाएगी यहाँ पे? इस प्रकार से। तो रिफ्लेक्टेड लाइट की भी यहाँ पे प्लेन क्या हुई? सेम। तो तीनों क्या है? सेम प्लेन में है, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे? इंसिडेंट लाइट नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड लाइट ऑलवेज लाइज इन सेम प्लेन, हमेशा सेम प्लेन के अंदर क्या करती हैं? एग्जिस्ट करते हैं, लाइज करती हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से रिफ्लेक्शन हुआ और इसके क्या हुए? दो लॉज हुए। अब इसके टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, यहां पे दो टाइप बताए गए हैं। एक तो क्या बताया गया है यहां पे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। नंबर टू, डिफ्यूज, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। देखिए यहां पे दोनों को मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पे जैसे मान लीजिए कोई ये सरफेस है, और इस पहले पहले पॉइंट पे आप लोग कौन सा कर रहे हैं? रेगुलर, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहली कंडीशन है, जो सरफेस होना चाहिए ना वो कैसा होना चाहिए? स्मूथ होना चाहिए, पहली कंडीशन। जब उसमें कोई लाइट इंसिडेंट होती है, लाइट में बहुत सारी रेज होती है, तो उसको बीम ऑफ लाइट बोल देते हैं। तो यहां पे कोई पैरेलल मतलब यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, जिसे बीम कह सकते हैं, तो किसी स्मूथ सरफेस पे इंसिडेंट होती हैं, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद भी क्या होता है? पैरेलल ही रहती है।
ये इंसिडेंट राइट है और ये रिफ्लेक्टेड लाइट है। इस रिफ्लेक्शन को हम क्या बोल देते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द स्मूथ सरफेस देन दे आर ऑल्सो पैरेलल आफ्टर द रिफ्लेक्शन, दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड ए रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, इसका सीधी सी बात है, इंसिडेंट होने से पहले भी अगर पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद भी क्या रहती है पैरेलल, तो उसे हम क्या कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसके लिए कंडीशन क्या है कि सरफेस कैसा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। दूसरा आपका था डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में देखिए। यहां पे अब की बार इसकी जो सरफेस है ना वो कैसा होगा, कंडीशन क्या, इसकी रफ सरफेस होगा, कैसा सरफेस होगा, रफ सरफेस। अगर अब की बार इंसिडेंट लाइट तो क्या है पैरेलल ही है, इंसिडेंट लाइट तो क्या है यहां पे पैरेलल है, परंतु इंसिडेंट होने के बाद जब रिफ्लेक्टेड होती है ना तब ये अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये कैसा होगा यहाँ पे डिफ्यूज होगा, ये मतलब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोला जाएगा। तो कौन सी लाइट है यहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट, मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट अगर अलग अलग डायरेक्शन में पैरेलल ना रहे, पहले वाले में पैरेलल रह रही थी, इसमें पैरेलल नहीं रह रही है, तो कौन सा हो गया है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो गया है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, रफ सरफेस। तो बात एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, क्या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के अंदर जो रिफ्लेक्शन के दोनों लो थे वो एक मतलब फॉलो नहीं होते क्या, मतलब इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या सेम नहीं रहते क्या, कहने का मतलब यही है क्या वो लॉज फॉलो नहीं होते। आप क्या कहोगे, यस होते हैं, दोनों में ही रूल्स फॉलो होते हैं, लॉज फॉलो होते हैं, परंतु यहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन में क्यों गई, क्योंकि ये रफ होने की वजह से तीनों जो लाइट रेज है ना इनका इंसिडेंट एंगल भी क्या है अलग, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या हो गया अलग अलग होने की वजह से वो अलग अलग डायरेक्शन में चले गए हैं। यहाँ पे स्मूथ था तो तीनों का इंसिडेंट एंगल सेम और तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी सेम, यहाँ पर इंसिडेंट एंगल पैरेलल तो थी परंतु सरफेस रफ होने की वजह से इंसिडेंट एंगल क्या हो गया अलग, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या हो गया अलग हो गया। इसकी वजह से अलग अलग डायरेक्शन में क्या हुई, ये डिफ्यूज हो गया, डिफ्यूज का मतलब फैलना, तो फैल गई है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अपने लाइट के बारे में पढ़ा आज, और रिफ्लेक्शन क्या होता है उसके लॉज और उसकी टाइप्स पढ़ी हैं। आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।